हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपकी पहचान दीपक बायोलॉजी क्लासेज एंड जॉब स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएसबी यानी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड डिपार्टमेंट हाई एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में, और यहाँ पर देखेंगे कि लेक्चरर की पोस्ट को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट हाई एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है जो कि भुवनेश्वर में है, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला है फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने सबसे अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन कर रखी है कि यहाँ पे जो है पोस्ट मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे टोटल 972 पोस्ट हैं, और स्केल जो मिलेगा आपको पे स्केल मिलेगा वो 44,900 टू 1,42,400 रहेगा एज पर मैट्रिक्स लेवल 10, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन की, तो ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया 22 मार्च से, और जो लास्ट डेट है 21 अप्रैल 2021 है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर ले कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ को निकाला गया है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी 49 वैकेंसी, जिसमें 16 वैकेंसी जो है वुमेंस की है, और इसमें सब डिवीजन है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का, जैसे ST SC SEBC अनरिजर्व, ठीक है। तो इन सब में जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में वैकेंसीज़ को निकाला गया है। तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है उड़ीसा के निवासी हैं तब आपको यहाँ पे ज़रूर ये सब सारे रिजर्वेशन मिलेंगे। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको यहाँ पे एज ए जनरल कैटेगरी आपको यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन करा है सब्जेक्ट सारे और विच कैटेगरी और सब कैटेगरी पीपल कैन अप्लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जिस भी कैटेगरी या सब कैटेगरी में आते हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हर कैटेगरी में 33% जो पोस्ट हैं इट विल रिमेन रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, ठीक है। तो हर कैटेगरी में 33% जो पोस्ट हैं वो रिजर्व रहेंगी वुमेन कैंडिडेट्स की, जो कि न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे जो मिनिमम 21 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है 42 ईयर्स आपका एज होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपका यहाँ मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। इसके अलावा जो है आपका, अगर आप SC ST ट्राइब से SC BC या BWD ऑफ उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो आपको पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे कैरियर असेसमेंट का, तो देखिए पोस्ट लेक्चरर्स के लिए यहाँ पे मैक्सिमम 25 मार्क्स है, PhD 25, MPhil और नेट 10। तो सिलेक्शन जो आपका रहेगा वो रहेगा कैरियर रिटेन और वायवर्स की बेस पे, ठीक है। तो अगर आपका PhD है तो आपको 25 मार्क्स दिया जाएगा, वहीं अगर आपका MPhil एंड और नेट है तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स दिया जाएगा। तो कैरियर में आपका मीन्स 25 मार्क्स रहेगा, रिटेन में 150 मार्क्स जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और वाइवा आपका 25 मार्क्स। तो टोटल यहाँ पे आपका जो है 200 मार्क्स जो है यहाँ पे टोटल आपका रहेगा, उसी के बेस पे जो है आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर दिस 150 मार्क्स विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे और उनका मार्क्स जो रहेगा वो लाइक 150 मार्क्स टोटल रहेगा, और 100 क्वेश्चन रहेंगे विद इक्वल वेटेज, ठीक है। यानी कि 0 पॉइंट, और आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग मेंशन हुआ है तो यहाँ पे 0.5 मार्क्स जो है वो आपका लाइक कटेगा, डिडक्ट होगा फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मेंशन कर रखे हैं। अगर बात करें यहाँ पे प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा बैलासोर, बहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक और समरपुर में होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट। अगर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट सफिशेंट नहीं होंगे तो भुवनेश्वर को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट अवेलेबल फॉर एनी ऑफ द जोन एक्सक्लूडिंग भुवनेश्वर, द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर दोज जोन्स विल बी अकोमोडेटेड टू भुवनेश्वर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे तो उन्हें अकोमोडेट कर दिया जाएगा भुवनेश्वर में। अगर बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फी 500 रुपीज़ है ओनली फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 200 फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST ST एंड PWD कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली जो फी है वो पे कर सकते हैं, अकाउंट नंबर मेंशन कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसके बाद जो है आपका जो है वाइवा वॉइस टेस्ट सेल बी आस्ट टू सबमिट द सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन बाय डबो, ठीक है। तो वाइवा होने से पहले अगर आप सेलेक्टेड होते तो इंटरव्यू होने से पहले आपका जो है अपना जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सब आपको जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन है, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट उड़िया फ्लुएंटली एंड मस्ट हैव पास एटलीस्ट वन एन एग्जामिनेशन उन उड़िया लैंग्वेज इक्वलेंट टू दैट एम ई स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाई BSc उड़ीसा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मेंशन कर रखी है कि अगर आपको उड़िया लैंग्वेज आती है या आप फ्लुएंट है उड़िया लैंग्वेज तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्टली आई थिंक जो अदर स्टेट पीपल दे कांट अप्लाई, बिकॉज इफ दे नो उड़िया देन ओनली दे कैन अप्लाई, अदरवाइज दे कांट अप्लाई टू दिस पोस्ट, ठीक है। इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा,
विच शुड बी द रैंक ऑफ CDMO CMO। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो आई होप आपको जो है ये सारा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए जो है रिटन एग्जाम में सर भी नोटिफाइड, तो आप SSB.odisha.ac.in पे आप रेगुलर विजिट करते रहिए। अगर आपको कोई भी रिलेटेड लाइक लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए, तो आप इसके लिए जो है रेगुलरली चेक करते रहिए www.ssbodisha.ac.in। ये कुछ सर्टिफिकेट दे रखे इन्होंने कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है हार्ड कॉपी ऑफ दिस सर्टिफिकेट यू हैव टू सेंड इट। ठीक है, तो कुछ ये जब पॉइंट्स दे रखे, आप ये सब पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट जो है वो सेंड करने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाइएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।